आई भवानीचा गजर म्हणजे बारे में जो उसने पूरा जो आप संभाषण जो डायलॉग आया है ना, तो एक कैबिनेट को भी ये ठीक नहीं है, हमारे सरकार को ठीक नहीं। एक मंत्री के बारे में एक टीवी एंकर जिस भाषा का इस्तेमाल करता, अरे हम छोड़ हम राजनीति में, हमारे बारे में आप कुछ भी बोलो हम सहन लेंगे। लेकिन एक कैबिनेट में एक हमारे मंत्री है उस बारे में जो बात करती है, और आपको शर्म आनी चाहिए सबको, आप उसको शरण दे रखिए। तो ये जो चल रहा है ये नहीं चलेगा सर। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा है, भारत जब जब एकजुट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है। एकजुटता की बात की है। अगर ये बात सच है तो गत 3 महीनों से दिल्ली के सीमा पर किसान आंदोलन की एकजुटता तोड़ने में सरकार लगी है। संजय जी, हजारों किसान गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और आप इस एकजुटता में आपको देशद्रोह दिखता है। प्लीज चेयरमैन सर ये पंजाब हरियाणा और पश्चिमी यूपी का किसान पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। वो सिर्फ 3 राज्यों की लड़ाई नहीं है, और पूरा देश उनके साथ है। तो उनको देश जो है कहना ठीक नहीं। ये पंजाब का किसान हमारा सिख भाई जब मुगलों से लड़ा तो हम उसे योद्धा कहते थे, जब अंग्रेजों से लड़ा तो हम उसे देशभक्त कहते थे। कोरोना वायरस में लंगर बांट रहा था तो देश प्रेमी था, लेकिन आज वो अपने हक के लिए लड़ता है तो वो खलिस्तानी हो गया, वो देशद्रोही हो गया। ये कौन सा अन्याय है? आप उसको रोकने के लिए बॉर्डर पर किले ठोकते हो, वो बड़े बड़े बैरिकेड्स करते हो। ये बैरिकेड्स, ये किले का जाल अगर आप लड़ाक के बॉर्डर पर करते तो चीन की राइट संजय जी प्लीज अंदर नहीं आती। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये आंदोलन जब तक जिंदा है तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ये आंदोलन हमारी ताकत है, ये देश की ताकत है। थैंक यू वेरी मच। तीन कृषि कानून श्री रामदास अठावले, सर श्री रामदास अठावले, ये तीन कृषि कानून के बारे में नहीं, नहीं, मैं क्या करूं, आप बाकी राइट राइट ठीक है। थैंक यू संजय जी। श्री रामदास अठावले तो हमको बुलाया, वो नहीं आए तो फिर आगे मौका नहीं मिलेगा। श्री देखो हमारा टाइम भी बढ़ा हुआ है, ये तो ये तरीका है। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24